हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुभम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस कि मैं फर्स्ट नवरात्रि के फर्स्ट डे में डिटॉक्स टी लेके आऊँगी कि मॉर्निंग एंड जो आप बिफोर बेड आपको कौन सी टी लेनी है, क्योंकि जिनको भी डिटॉक्स टी की आदत हो जाती है वो नहीं छोड़ पाते हैं। वो चाहे कोई भी व्रत हो, कुछ भी हो, तो नवरात्रि के लिए एक स्पेशल मैं डिटॉक्स टी लेके आई हूँ जो आपको पूरा दिन काफ़ी एनर्जेटिक बनाए रखेगा, आपका मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई रहेगा और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना ही डाइजेशन में, ना ही किसी चीज़ में, और ब्लोटिंग पे भी बहुत अच्छा काम करेगा वो। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। और एक चीज़ और, इस वीडियो के आने के लगभग नहीं, आई थिंक 4:30 बजे आपको नवरात्रि डाइट प्लान भी मिल जाएगा और रात में फिर मैं लाइव आऊंगी 10 बजे। तो 4:30 बजे का वेट करिएगा, 10 बजे का वेट करिएगा। नवरात्रि डाइट प्लान भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज आने वाली है मेरे चैनल पर, यानी कि मैं अभी आपको व्रत वाली कढ़ी भी बताऊंगी और बहुत सारी चीजें हैं वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट होती रहेंगी। लेकिन इस वीडियो की तरफ चलिए जल्दी से बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 1 कप पानी लेना है। मेरा यह बड़ा वाला था तो इसलिए मैंने इसमें हाफ लिया है, और एक साफ पैन लेना है, उसमें आपको इस पानी को डालना है, और साफ जीरा यानी कि व्रत का जीरा आप अलग रखेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम आपको इसमें डालना है। ये काम आपको रात में करना है सुबह के डिटॉक्स ड्रिंक के लिए। और आपको रात में जब आप अपना रात का डिटॉक्स ड्रिंक बनाएंगे तो उसी समय आप 2 कप बना लीजिएगा। तो ये मैं रात की तैयारी कर रही हूँ, तो ये जब अच्छे से रंग छोड़ दे सारा जीरा इस तरह से और बबल्स आने लगे, तब आपको गैस को ऑफ कर देना है और इसको अच्छे से ढककर रख देना है। और इसी तरह ये ढका रखा रहने दीजिएगा और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आपको इसे हल्का सा गर्म करना है, यानी कि जो लूक वॉर्म होता है बहुत ही लाइट सा गर्म करना है। और इसके बाद आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है, मतलब गर्म इसलिए करना है क्योंकि ठंडा हम पी नहीं सकते, सर्दियां हैं, हल्की फुल्की मतलब ठंड भी आ गई है, मौसम भी चेंज हो रहा है, इसीलिए हल्का सा। तो आपको इसे नेक्स्ट मॉर्निंग हल्का गर्म करके स्ट्रेन कर लेना है। यही प्रोसेस आपको रात में इसी तरह की टी बनानी है और थोड़ी देर उसे रख देना है, तब आपको इसे पीना है। मैं इसके साथ मॉर्निंग में थायराइड की दवाई भी ले लेती हूँ, तो ये आपकी मॉर्निंग और आफ्टर डिनर ये आपकी टी हो गई। इसके बाद बहुत ही जल्दी मैं फुल डे डिटॉक्स ड्रिंक कौन सा लेती हूँ वीक में एक बार, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आशा कर आपका डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव होगा, आपको गैस की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इम्यून सिस्टम भी काफ़ी अच्छा रहेगा और सबसे बड़ी बात मेटाबॉलिक रेट भी काफ़ी हाई रहेगा। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं, बहुत ही जल्दी नहीं, अभी 4:30 बजे फिर मैं मिलती हूँ आपसे नवरात्रि डाइट प्लान के साथ और रात में 10 बजे फिर मिलती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, और 4:30 बजे का वेट करिएगा। बाय।